हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारा जो कैटेगरी का जो पार्ट है वो हमने फिनिश कर लिया था। हम कैटेगरी को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और अब हमें क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में जो है, अब हमें जो है प्रोडक्ट्स का काम जो है वो स्टार्ट करना है। यानी कि हमें प्रोडक्ट्स जो है न्यू प्रोडक्ट्स को अपलोड करना, उसे एडिट करना और उसको डिलीट करने का काम जो है हमें इस पार्ट से शुरू करना है। यानी कि हम प्रोडक्ट्स को मैनेज करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक नया फ्रेगमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे हम कोड पे आ जाते हैं और हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम डैशबोर्ड के अंदर हमने जैसे ये दो फ्रेगमेंट सेट किया, वैसे ही हमें एक नया फ्रेगमेंट जो है वो बनाना है। तो फ्रेगमेंट्स पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल ऐड करते हैं जिसका नाम रखेंगे हम प्रोडक्ट्स या फिर मैनेज प्रोडक्ट्स डॉट जे एस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, मैनेज प्रोडक्ट्स के अंदर हम हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो लोड करवाएंगे। और साथ ही साथ हमें जो है एक और जो है यहाँ पे फाइल ऐड करनी है, add product.js। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है, मैनेज प्रोडक्ट के अंदर तो हमें जो है सारे प्रोडक्ट्स जो है हमें डिस्प्ले होंगे और एड प्रोडक्ट के अंदर हमें जो है फॉर्म हमारा जो है बनाना है जिसके अंदर हम जो है हमारा प्रोडक्ट का डेटा ऐड करके उस फॉर्म के थ्रू हम न्यू प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में। तो इसके अंदर फॉर्म होगा और इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट की लिस्ट होने वाली है। तो प्रोडक्ट के लिस्ट के लिए हमें ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी जो कोड यूज़ किया है यहाँ पे। अगर हम चलते हैं हमारे डायलॉग पे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, ग्रिड व्यू, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। और या फिर अगर हमें एक अलग से टेबल ऐड करना हो तो वो भी हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, बट हम जो है क्वेरी शायद यही वाली हम यूज़ करेंगे, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। बट अभी के लिए हमें सबसे पहले फोकस करना है हमारा जो ऐड प्रोडक्ट ऐड करने का जो फॉर्म है वो हम पहले बनाएंगे। ठीक है, और मैनेज प्रोडक्ट वाला जो लिस्ट या फिर जो हमें टेबल जो भी ऐड करना है वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम जो है फॉर्म के साथ काम करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैनेज प्रोडक्ट को अभी नहीं, अभी ऐड प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो हमें बनाना है। तो पहले तो यहाँ पे RCE और एक क्लास हमारी जो है वो बना लेते हैं, एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, डैशबोर्ड पे चलना है और हमारा जो सेट फ्रेगमेंट मेथड है इसके अंदर हम एक और केस ऐड करेंगे, Ctrl+C पेस्ट, और यहाँ पे इसका नाम होगा ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फ्रेगमेंट होगा ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने पीछे नाम फ्रेगमेंट ऐड नहीं किया, बाकी दोनों में कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं चलेगा, ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाना है जहाँ पे हमने टैब सारे सेट किए हुए हैं, और ठीक इसी तरीके से यहाँ से ये लिस्ट आइटम का जो फर्स्ट लाइन है वो कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और उसके बाद यहाँ कर देंगे ऐड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट आएगा, बट अभी हम क्योंकि पहले फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम व्यू करने के लिए, देखने के लिए हम ऐड प्रोडक्ट अभी हम सेट कर रहे हैं, बाद में यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो सेव करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले ऐड प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट सेव। अब चलते हैं क्रोम पे और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऐड प्रोडक्ट जो है टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फ्रेगमेंट सेट हो रहा है। तो अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम जो है फॉर्म के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। और फॉर्म के साथ काम करने से पहले हमें एक बॉक्स बना लेना चाहिए, एक बॉक्स ऐड कर लेना चाहिए। तो चलते हैं कोड पे और डिव की जगह यहाँ पे हम बॉक्स ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, रैंडम टैक्स क्योंकि हमें चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड ओके बीजी, बैकग्राउंड मतलब बीजी कलर, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे वाइट जो कि है, और उसके बाद शेडो, बॉक्स शेडो,
जो कि हम सेट करेंगे 1। ठीक है, इतना सेव करके देखते हैं। प्रोडक्ट्स, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे शेडो भी ऐड हो चुका है, बैकग्राउंड भी ऐड हो चुका है। अब पैडिंग सेट कर लेते हैं। एट, सेव। ओके, 8 काफ़ी ज़्यादा हो गई, 4 कर लेते हैं, सेव। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम 4 जो है पैडिंग सेट करते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, मैं यहाँ पे फ़ोन के अंदर हमारे ऐप को ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें कौन कौन सी फील्ड्स ऐड करनी है वो हम देख सकें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो तो हमें इमेजेस ऐड करनी है। ठीक है, हम प्रोडक्ट की जो जो इमेजेस ऐड करना चाहते हैं वो, उसके लिए हमें पहले इमेजेस जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो इमेजेस के लिए हमने ऑलरेडी कोड हमारे जो डायलॉग है उसके अंदर सेट किया हुआ है, जहाँ पे हम बैनर स्लाइडर और वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर दें। तो वहाँ से हम जो है ये सेम कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐड इमेज वाला, तो हम इसी कोड को यूज़ करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो चलते हैं होम फ्रेगमेंट पे। ठीक है, और यहाँ पे जो डायलॉग है उसके अंदर चलते हैं। ओके, ये रहा ऐड डायलॉग। और यहाँ पे हमें क्या करना है, बैनर स्लाइडर अगर होता है तो उस केस के अंदर ये रहा हमारा इनपुट टाइप। उसके बाद ये रहा हमारा एड इमेज बटन। तो अब प्रोडक्ट्स के लिए भी यहाँ पे हम मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 8 रखने वाले हैं। ठीक है, सेम। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये इनपुट वाला जो कोड है यहाँ से, ये बटन वाला, ठीक है, कॉपी करते हैं और ऐड प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं। प्रोडक्ट की जगह पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, और एरर आएगा क्योंकि हमें बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद बॉक्स को इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, सेव करते हैं। और चेक करने से पहले अगेन होम फ्रेगमेंट पे चलेंगे और हमारा जो प्रीव्यू वाला फंक्शन जो है, कोड है, वो भी हमें यूज़ करना है। उसके लिए ये जो बॉक्स है ये हम प्रीव्यू के लिए यूज़ करते हैं। दिस डॉट स्टेट डॉट इमेजेस, उसको मैप कर देते हैं। और दिस डॉट रेंडर इमेज URL, ये फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉक्स जो है यहाँ से इसे भी कॉपी करेंगे, ऐड प्रोडक्ट के अंदर चलेंगे, इनपुट के पहले पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। अब ये फंक्शन जो है ये नहीं है हमारे पास, रिमूव इमेज और रेंडर इमेज URL, तो ये दोनों फंक्शन जो है हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो रिमूव इमेज चाहिए, तो रिमूव इमेज यहाँ से करते हैं कॉपी। ऐड प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं और रेंडर के पहले ऊपर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। होम फ्रेगमेंट पे चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे दूसरा कौन सा चाहिए था हमें फंक्शन, सेव भी नहीं, रेंडर इमेज URL, ये फंक्शन है, डिलीट इमेजेस, अपलोड इमेजेस। ओके, ये रहा रेंडर इमेज URL, इसको करते हैं कॉपी। ऐड प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। और आर कॉन्स्टेंट, ये रहा हमारा डिफॉल्ट स्टेट। उसके बाद यहाँ पे चेंजेस भी करने हैं, यहाँ पे हमें कोई बैकग्राउंड कलर सेट करने की ज़रूरत नहीं है इमेजेस के लिए, तो ये कलर्स वाला जो कोड है वो हम हटा देंगे। ठीक है, रिमूव करने पे कलर्स वाला कोड जो है वो हम हटा देंगे, सिर्फ इमेजेस के साथ काम करना है, कलर्स नहीं।
आपके यहाँ पे ये डिलीट इमेजेस वाला जो कोड है वो भी, और ये जो फंक्शन है ये भी हमें चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे टेम्प्ररी अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ हमारा फॉर्म बनाना है, डेटाबेस के साथ अभी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको कमेंट कर देते हैं। उसके अलावा कलर्स वाला कोई कोड नहीं है ना, ठीक है, नहीं है, तो सेव करते हैं और देखते हैं क्या एरर्स है। आइकन बटन डिलीट, आइकन बटन फॉर्म, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, एक तो आइकन बटन, देन उसके बाद चाहिए फॉर्मेट कलर फिल, तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस जो है आपको प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशंस आएगा। डिलीट कंट्रोल स्पेस, डिलीट ई हटा देंगे, और क्या चाहिए, आइकन फॉर्मेट, ठीक है, परफेक्ट। सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। आइकन बटन डिलीट, आइकन बटन इज नॉट डिफाइंड, अभी तक ये इम्पोर्ट नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। कंट्रोल स्पेस डिलीट, सेव, ओके, आइकन बटन, कंट्रोल स्पेस, एंटर, सेव, स्टिल आइकन बटन इम्पोर्ट नहीं हुआ है। के आइकन बटन मटेरियल यूआई कोर में से मिलेगा हमें यहाँ पे। आइकन बटन और साथ ही साथ बटन भी, सेव, ठीक है। यहाँ पे एरर है, मैप ऑफ इमेजेस, तो पहले हमें स्टेट के अंदर इमेजेस जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। ऐड मतलब एक एम्प्टी अरे जो है वो सेट करना है, इनिशियलाइज करना है हमें। इमेजेस, एम्प्टी अरे, सेव, और अगेन वहाँ पे कलर्स भी होगा शायद, देखते हैं। दिस डॉट स्टेट डॉट कलर्स, ये नहीं चाहिए, हटा देंगे। कलर्स नहीं चाहिए, कलर्स नहीं चाहिए, इनपुट टाइप कलर हमें चाहिए ही नहीं। आइकन बटन, ठीक है, और कहीं कलर्स तो नहीं है, ठीक है, सेव करते हैं। प्रोडक्ट्स, ओके, तो अब यहाँ पे हमारा बटन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये व्यू टाइप वाला कोड है इस वजह से, तो ये चेक हमें हटा देना है, व्यू टाइप वाला, सिर्फ और सिर्फ ये हम चेक करेंगे। दिस डॉट स्टेट और इमेजेस डॉट लेंथ, ठीक है, सेव, प्रोडक्ट्स, तो अब हमें ऐड इमेज का बटन शो हो रहा है, इमेज ऐड करते हैं तो कोई, ओके, एरर आ गया, इमेज डॉट पुश, एंड यहाँ पे हमें कलर्स की वजह से आ रहा है एरर, ठीक है, 92 पे, 92 पे ये रहा, यहाँ पे कलर्स नहीं चाहिए, और कहीं पे कलर्स है, सेव, देखते हैं। प्रोडक्ट्स, एड इमेज,
ये बटन भी हमें जो है हटा देना है, सिर्फ डिलीट बटन रखना है, और यहाँ पे प्रीव्यू हमारा शो नहीं हो रहा है। जिस टॉपकट यहाँ पे ये कलर, ये आइकन बटन हम हटा देंगे, लेवल भी हटा देंगे, रेंडर इमेज यूआरएल आइटम, ओके। ये व्यू टाइप जो है ये हटा देंगे, सिंपली हमें 110 पिक्सल्स चाहिए, सॉरी 160 पिक्सल्स। सेव, ठीक है। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट्स एड इमेज, ओके फाइन, अब ये काम कर रहा है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट वाला फंक्शन हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ऐड इमेज तो हमारा हो गया, अब हमें प्रोडक्ट के टाइटल के लिए टेक्स्ट व्यू ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू के लिए अगेन यहाँ से हम हमारा जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वही हम यूज़ कर सकते हैं। इनपुट्स, जिसके अंदर हमें यूज़ करना है टेक्स्ट फील्ड, ओके टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे हम जो है ये आउटलाइन वाली फील्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। साइजेस स्मॉल, कोड चेक करते हैं, स्मॉल ये रहा, कॉपी। उसके बाद बॉक्स के ठीक नीचे पेस्ट, सेव और ऑल्ट कंट्रोल स्पेस, टेक्स्ट फील्ड, देखते हैं इंपोर्ट हुआ टेक्स्ट फील्ड, ओके इंपोर्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। टेक्स्ट फील्ड ओके, अब इंपोर्ट हो गया, सेव। ठीक है, तो नीचे हमें ऐड करना है, यहाँ पे नहीं, BR टैग ऐड कर देंगे, सेव। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें कुछ नहीं सेट करनी है, और लेबल हमें ऐड करना है, लेबल साइज नहीं, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हमें ऐड करनी है। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, ओके प्रोडक्ट टाइटल, ओके। ये सारी मार्जिन्स और वो बाद में हम फिक्स करेंगे, पहले जो फील्ड्स ऐड करनी है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड तो ये ठीक है, इनपुट्स मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसके अलावा हमें प्राइस और कटेड प्राइस, दो हमारे पास प्राइस है हमारे प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, तो हमें जो है दो प्राइस और कटेड प्राइस के लिए भी जो है दो फील्ड्स ऐड करनी है, तो सेम इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। तो हमें सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है ये टेक्स्ट फील्ड को, कंट्रोल सी पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे बी आर टैग नहीं ऐड करेंगे हम, इसका हम लेबल सेट करेंगे कटेड प्राइस, और यहाँ पे प्राइस
है। उसके अलावा हमें और क्या ऐड करना है, कूपन के लिए भी जो है हमें डेटा ऐड करना है। ठीक है, तो कूपन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं हम फायरबेस डेटाबेस हमारा चेक करते हैं। ये रहा प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्स, स्टार वन स्टार टू, ठीक है वो तो बाद में। COD ट्रू या फॉल्स, एडिट ऑन, पहले कूपन के लिए देखते हैं। फ्री कूपन बॉडी, फ्री कूपन टाइटल, फ्री कूपन्स, और उसके अलावा है मैक्स क्वांटिटी, ऑफर सप्लाइड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो पहले कूपन का कर लेते हैं, फ्री कूपन्स, कूपन टाइटल, कूपन बॉडी। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे, एक तो फ्री कूपन्स होगा, उसके बाद होगा यहाँ पे कूपन टाइटल, और हमें कूपन बॉडी के लिए मल्टी लाइन टेक्स्ट चाहिए। चेक कर लेते हैं मल्टी लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमें ये वाला यूज़ करना है, लास्ट वाला जो है वो चाहिए हमें। यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ करते हैं पेस्ट। इसका लेबल हमें सेट करना है कूपन बॉडी, सेव, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट टाइटल, प्राइस, कटेड प्राइस, प्री कूपन्स, कूपन टाइटल और कूपन बॉडी। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए, कूपन्स का और कुछ तो नहीं है। ठीक है, और कोई कूपन का जो है फील्ड नहीं है। तो अब हमें जो है और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, COD के लिए एक चेकबॉक्स ऐड करना है, और एवरेज रेटिंग तो नहीं है अभी, कटेड प्राइस तो हो चुका है। मैक्स क्वांटिटी के लिए भी एक फील्ड ऐड करनी है, मैक्स क्वांटिटी, ऑफर सप्लाइड। ठीक है, ये दोनों के लिए भी टैक्स फील्ड ऐड करनी है। तो सिंपली ये वाली फील्ड जो है, या फिर यहाँ से ये BR टैग के साथ दोनों फील्ड कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। इस यहाँ पे नाम रखेंगे मैक्स क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑफर्स अप्लाइड, सेव। उसके बाद क्या है, मैक्स क्वांटिटी हो चुका, ऑफर सप्लाइड हो चुका, नंबर ऑफ इमेजेस तो ऑटोमेटिकली ऐड होगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये चीज़ चाहिए। तो इसके लिए भी मल्टी लाइन टेक्स्ट हम ऐड करेंगे। तो ऊपर से इस चीज़ को कर देते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। BR टैग को यहाँ से ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लेबल सेट कर देंगे डिस्क्रिप्शन, सेव। उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस तो ऑटोमेटिकली ऐड होगी, प्रोडक्ट अदर डिटेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट अदर डिटेल्स और स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी शायद हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। ठीक है, जितनी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट जनरेट करने हैं, वो तो हम क्वेरी के थ्रू करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। फिर भी स्टॉक क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं फील्ड। आईडी नहीं चेंज करनी है, लेबल चेंज करना है, स्टॉक
क्वांटिटी सेव, उसके बाद क्या है, स्टॉक क्वांटिटी हो गया, टैग्स है तो टैग्स के लिए भी मल्टी लाइन टैग्स हम यूज़ करेंगे। टोटल रेटिंग्स वो भी ऑटोमेटिकली सेट होगी, टोटल स्पेक टाइटल्स ये भी ऑटोमेटिकली। यूज़ टैब लेआउट, ओके ये इम्पोर्टेंट है, यूज़ टैब लेआउट के लिए भी हमें चेकबॉक्स ऐड करना है, और इसके लिए टेबल ऐड करना है हमें। टेबल के थ्रू हम ये जो फील्ड्स है वो हम ऐड करने वाले हैं। उसके अलावा और क्या कुछ बाकी रह गया, सीओडी के लिए एक चेकबॉक्स और इसके लिए एक चेकबॉक्स, यूज़ टैब लेआउट, ठीक है दो चेकबॉक्स हमें ऐड करने हैं। स्विच हम यूज़ कर सकते हैं चेकबॉक्स की जगह, ठीक है ये अच्छा रहेगा। कंट्रोल सी, पे कर देते हैं पेस्ट, बी आर, और कंट्रोल स्पेस, स्विच को करते हैं यहाँ से इंपोर्ट, सेव करते हैं और एक बार देखते हैं ये स्टेट अनडिफाइंड आएगा, इसको हटा देते हैं ऑन चेंज मेथड को, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट्स, ये रही हमारी स्विच, ठीक है इसका टाइटल नहीं आया, ओके टाइटल वाली स्विच यहाँ पे है नीचे। क्या करना है हमें, सिंपली फॉर्म कंट्रोल लेबल, ठीक है ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोई बात नहीं। कंट्रोल सी, स्विच की जगह करते हैं पेस्ट, ऑन चेंज मेथड यहाँ से हटा देंगे। कंट्रोल स्पेस, फॉर्म कंट्रोल लेबल को इंपोर्ट करेंगे, सेव, देखते हैं प्रोडक्ट्स प्राइमरी, ठीक है तो दो चेकबॉक्स ऐड करने, एक तो सीओडी और दूसरा है यूज़ टैब लेआउट। तो इसके लेबल का नाम हम सेट करेंगे सीओडी, और एक और स्विच ऐड करेंगे जहाँ पे हम सेट करेंगे यूज़ स्पेसिफिकेशन लेआउट, सेव, ठीक है यूज़ टैब लेआउट, क्योंकि यूज़ टैब लेआउट है स्पेसिफिकेशन लेआउट नहीं है। प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमने ऐड तो कर लिए, टैब लेआउट सीओडी। अब हमें एक टेबल ऐड करना है जिसके अंदर हम जो है हमारे स्पेसिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं, और अदर डिटेल्स भी बाकी है, तो अदर डिटेल्स के लिए भी हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट चाहिए। कूपन का भी हमने डेटा जो है वो सेट कर लिया है, ठीक है सिर्फ एक मल्टी लाइन टेक्स्ट और हमें ऐड करना है। यहाँ से करते हैं इसे कॉपी, नीचे करते हैं पेस्ट, डिस्क्रिप्शन की जगह अदर डिटेल्स सेव, और हमें एक टेबल ऐड करना है, तो टेबल कहाँ से हमें मिलेगा, मैनेज कैटेगरी फ्रैगमेंट के अंदर से। यहाँ से हम जो हमारा टेबल वाला कोड है मटेरियल टेबल, यहाँ से हम पूरा कॉपी कर लेंगे। उसके बाद या फिर हमें यहाँ पे टेबल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टेबल के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं, हम खुद का ही जो है खुद का ही हम जो है कोड यूज़ करके फील्ड ऐड कर सकते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, ठीक है कैटेगरीज पर अगर हम चलते हैं
तो हमें क्या करना है, या फिर हम अगर टेबल ऐड करते हैं तो फिर इसके डॉक्यूमेंटेशन में हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें सिंपल टेबल यूज़ करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें जो है क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो हम टेबल का ही देखते हैं क्या यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट्स इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल, प्राइस, कटेड प्राइस, प्री कूपन्स, कूपन टाइटल, कूपन बॉडी, क्वांटिटी, ऑफर्स अप्लाई, डिस्क्रिप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्टॉक क्वांटिटी, COD, यूज टैब लेआउट, और क्या बाकी रह गया। ठीक है, और कुछ बाकी तो नहीं है, लगता तो नहीं है। ओके, टैग्स बाकी रह गया। टैग्स के लिए अगेन हमें जो है मल्टी लाइन टेक्स्ट या फिर सिंगल टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट फील्ड का यूज़ कर लेना चाहिए। बाद में हम कॉमा की मदद से जो है स्प्लिट मेथड का यूज़ करके टैग्स को जो है अरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐड प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं और सिंपल टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, उसके बाद फॉर्म कंट्रोल के नीचे पेस्ट करते हैं। इसका लेबल हम सेट करेंगे टैग्स, सेव। ठीक है, टैग्स। तो यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें हमें प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए जो जो डेटा हमें सेट करना पड़ता है वो हमने यहाँ पे उसके लिए फील्ड्स तो ऐड कर दी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें जो है इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अलाइन करेंगे, या फिर पहले फंक्शनलिटी सेट करेंगे उसके बाद अलाइन करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला काम तो हमें जो है प्रोडक्ट ऐड कर सॉरी टैब लेआउट के लिए जो है हमें जो स्पेसिफिकेशन ऐड करने पड़ते हैं उसके लिए हमें ये टेबल जो है वो यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये टेबल को ऐड करते हैं और उसके बाद सारी चीज़ों को अलाइन करके हमारी फायरबेस की क्वेरी जो है वो सेट करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।